नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरदार। करेंगे देश के तमाम इलाकों में हुए अपराध की तहकीकात ताकि आप रहें होशियार। लेकिन शुरुआत एमपी के टीकमगढ़ से होगी, जहां एक रेप पीड़िता ने इंसाफ के लिए दर दर का उसने भटक रही है और न्याय की उम्मीद ना दिखने पर उसने मौत को गले लगाने की बात कही है। मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ शहर, वहां 19 साल की एक लड़की से बलात्कार होता रहा। बलात्कार का वीडियो बनाया गया और उससे मामले की शिकायत ना करने की धमकी दी गई, लेकिन उसके मना करने पर उस वीडियो को वायरल कर दिया गया। इस घिनौनी वारदात में एक पति के साथ उसकी पत्नी भी शामिल थी और पुलिस है कि सुस्त बैठी है। एक पीड़िता की व्यथा और सिस्टम की पोल खोल थी, ये रिपोर्ट देखिए। अब क्या करेंगे, सब घर वाले मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। माँ मरते हैं अब तो, क्या सब घर वाले मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो इज्जत तो चली ही गई। ये दर्द है उस पीड़िता का जिसके साथ 4 महीने पहले बंधक बनाकर ज्यादती की गई और ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो भी बना लिया। युवती आरोपी के सितम सहती रही, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो पुलिस में शिकायत कर दी, लेकिन पुलिस 2 महीने बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वहीं आरोपी लगातार केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं और पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये से पीड़िता इतना त्रस्त है कि उसने सुसाइड करने की बात कही है। गलत काम किया, साहिन ने वीडियो बनाई और हमारी पुलिस कुछ कार्रवाई कर नहीं रही। हम लोग गए तो दादापुड्डा ने, तो उनने कुछ नहीं किया। अभी तक साहिन घर पे हैं और मानने की जिब्बिल और आरिफ धमकी देते हैं कि जान से मार देंगे अगर राजीनामा नहीं करोगी। तो अब क्या करेंगे, तो हमारी तो इज्जत चली गई, मानने का हो गया। आप तो राज्य के मुखिया प्रदेश की बच्चियों को अपनी भांजी कहते हैं, इससे मुख्यमंत्री अपनी छवि तो गढ़ते हैं लेकिन उनके लिए करते कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में भांजियों के साथ हो रहे अपराधों और अन्याय कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। भोपाल में गैंगरेप पीड़िता कोचिंग की छात्रा के साथ जैसा व्यवहार पुलिस ने किया था, उससे भी बदतर रवैया टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस का सामने आ रहा है। पुलिस खुद ही पीड़िता से आरोपी की जानकारी लेने की आस लगाए बैठी है। सुनिए क्या कह रही है पीड़िता की माँ। अब्बर की लड़की घर पे खेल रही थी मीठी, तो लड़की उनको देने गई, लड़की को उनके घर, तो आई उन्होंने उनका हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया, उसके साथ गलत काम किया। फिर बस लड़की ने बताया, उसने रिपोर्ट डाली, उन्हें वीडियो बना दिया और फैला दिया, कोतवाली जाकर रिपोर्ट कराई, तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया अभी तक। न्याय नहीं मिला? नहीं। कहाँ है वो अभी पता है? हमें नहीं है मालूम, साहिन तो घर पे है, वो धमकी देने आते आई, अभी जिब्बिल और आरिफ और साहिन भी आई थी। क्या कहते? राजीनामा कर लो ना तो मैं जान से मार देंगे। एसपी साहब के पास गई थी, आपको क्या लगा? तो एसपी साहब कह रहे थे जहाँ आपको कहीं मिले तो फोन करना, हमको कहाँ मिल रहा है, सब लोग मर जाएंगे। फिर क्यों ऐसा, ये कदम क्यों उठाए? पूरे में तुमने वो वीडियो फैला दी, बदनामी कर दी, हम निकल भी नहीं पा रहे। टीकमगढ़ शहर में रहने वाली 19 वर्षीय युवती के साथ पास में ही रहने वाले शख्स ने करीब 4 महीने पूर्व अपने घर में बंधक बनाकर न केवल दुष्कर्म किया बल्कि उसकी पत्नी ने उसका वीडियो बनाया और धमकी दी कि अगर इस बात की जानकारी किसी को दी तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इसके बाद आरोपी पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल करते रहे और लड़की के विरोध करने पर आरोपियों ने वीडियो वायरल कर दिया। इस बात की खबर जब पीड़िता को लगी तो उसने सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाई। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों सहित टीकमगढ़ कोतवाली जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 27 सितंबर 2017 को दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ धारा 376
354C 506 34 IPC के तहत मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन आज तक कोतवाली पुलिस एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अब आरोपी पीड़िता पर मामला वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, पर पुलिस को क्या फर्क पड़ता है? मामले में सुस्ती बरतने के इतने आरोपों के बावजूद वो रटा रटाया जवाब दे रही है कि कार्रवाई होगी। इसमें तत्काल पुलिस ने सूचना प्राप्त होने के बाद FIR की थी और तब से लगातार विभिन्न स्थानों पर टीमें भेजी गई हैं गिरफ्तारी के लिए, पर जो अभियुक्त हैं अयूब खान और उनकी पत्नी दोनों फरार चल रहे हैं। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई है कि कोतवाली में थाना क्षेत्र में पत्नी देखी गई है, तो उसमें अभी तत्काल थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि पत्नी की गिरफ्तारी करें और उनसे पूछताछ करें कि पति उसका कहां फरार है। शीघ्र ही पति पत्नी दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा प्राप्त है, उसी समाज का जमीनी हकीकत आपके सामने है। पहले तो एक बच्ची के साथ ज्यादती की जाती है और वो जब अपनी फरियाद लेकर पुलिस थाने का रुख करती है तो वहाँ उसे इस कदर निराशा मिलती है कि वो दुनिया ही छोड़ देने की पीड़ा जाहिर करती है। खबरदार के लिए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सुशील कुमार की रिपोर्ट। बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन हमारा सिस्टम कैसा है, सिस्टम क्या करता है, उसकी हकीकत इस रिपोर्ट ने आपके सामने रख दी है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी को सहारा देने के नाम पर घर लाकर उसको बेड़ियों में जकड़ा जा सकता है? जवाब होगा ना, लेकिन ऐसा हुआ है यूपी के बलिया में, और यह किसी खास शख्स ने नहीं बल्कि एक एनजीओ ने किया है। एनजीओ के कर्मचारियों ने मेले में लापता एक मासूम बच्चे को अपने आश्रय में लाकर उसको जंजीरों में जकड़ दिया। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना पर यह रिपोर्ट देखिए। बिहार सीमा पर यूपी का आखिरी जिला बलिया। बलिया में ददरी मेले की धूम है। मेले में कुछ बच्चे झूले पर हैं, तो वहीं एक बेचारा अपनों से बिछड़ गया। मेले में बिछड़े मासूम से अमानवीयता हुई है। पत्रकारिता कायदे कानून के मुताबिक नाबालिग का चेहरा हमें आपको शायद नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन इस मामले में बच्चे का चेहरा दिखाना जरूरी है ताकि मेले में बिछड़े बच्चे को उसके परिजन पहचान कर अपने साथ ले जा सके। मेले में जहां बच्चे अपने माँ बाप सगे संबंधियों के साथ खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, तो वहीं एक अभागा ये भी था जो अपनों से बिछड़ गया। ददरी मेला पूर्वांचल के बड़े मेलों में से एक होता है। मेले की इस भीड़ में उसकी सिसकियों की परवाह करने वाला कोई नहीं था। वो मेले में इधर उधर भटकता रहा। इसी बीच किसी ने चाइल्ड लाइन के काउंटर पर जाकर उसके खो जाने की जानकारी दी। चाइल्ड लाइन बेसहारा बच्चों के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था है। चाइल्ड लाइन के कर्मचारी उसे बलिया के अपने प्रमाइसेज में ले आए और यहीं से शुरू हुआ बच्चे के दर्द का और विकराल हो जाना, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भुला गए थे मेले में, भूल गए थे। एक पैर में क्या का बाधा है? ये पैर में क्या बाधा है? ये का है पैर में? का लगल बा? बोला सिकड़। सिकड़? जोर से बोलो, क्या बाधा है? सिकड़। सिकड़ क्यों? सिकड़ बाधा है का है? क्यों सिकड़ बाधा है बाबू? क्यों सिकड़ बाधा है? कहा सिकड़ बांधल बा? सिकड़ कहा बांधल बा? हाँ कहती मैंने देखो काय कहती कहा सिकड़ बांधल बा? कौन बांधा है? कौन लोग?
एनजीओ के भवन में बच्चे को लाया तो उसको सहारे देने के लिए गया था, लेकिन वहाँ उसके साथ जो हुआ उससे इंसानियत शर्मसार हो जाए। बच्चे ने थोड़ी शरारत क्या की, उसे जंजीरों में जकड़ दिया गया। अपनों से बिछड़े बच्चे के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, उसकी हालत क्या होगी, उसको सोचकर आपका मन भर आएगा। हमारे संवाददाताओं ने हिंदी से लेकर भोजपुरी तक में बच्चे से कई सवाल पूछे। सुधबुध खोया बच्चा बस इशारे से ही सब कुछ बताता रहा। बच्चे की हालत का अंदाजा लगाइए आप। एक्चुअली हम लोगों का कैंप लगा हुआ है ददरी मेले में, खोया पाया केंद्र, तो उसी खोया पाया केंद्र में वो बच्चा हम लोगों को भूला हुआ मिला। रात में हम लोग उस बच्चे को ले आए और वो तीन चार बार बच्चा भागने का कोशिश किया, इसलिए बच्चे को थोड़ा सा रखा गया है उस तरह से। किस तरह से रखे हम लोग उसको? दरवाजे में रखा गया है कि वो भाग ना सके। किस तरह से बांधे हैं? कैसे बांधे? बांधने का उसको एक केवल उसके डर के लिए कि चैन लगा दिया गया है कि भाई कहीं भागने की कोशिश ना करे वो, क्योंकि हाँ मानते हैं सही है ये? नहीं नहीं सही नहीं है, लेकिन अपनी और बच्चे की सुरक्षा के लिए। एक तरफ बाल मन खौफ के शिकंजे में कस दिया गया तो दूसरी तरफ देश भर में बेसहारा गरीब बच्चों के सहारे का डंका पीटने वाली स्वयंसेवी संस्था चाइल्ड लाइन के कर्मचारी अपनी गलतियों को निपोरने की कवायद में लगे रहे। उनकी दलील थी कि बच्चा शरारती था इसलिए ऐसा करना पड़ा। बच्चे को पैर में क्या लगा है? सिक्कर है। क्यों? लेकर चाल दे, सुबह शाम भागल हुई। हाँ बांधल हुई हम। तू ही बांधल? हाँ हाँ बस। काठी से बांधना पड़ा? हाँ काठी से बांधे हैं। हाथ से बांधल है। हाथ बांधे हैं? हाँ बांधा, पैर बांधल है सिक्कर बस। जिस कर्मचारी ने उसे बांधा है उसे भी अपनी अमानवीय हरकत का एहसास नहीं है, उसे लगता है उसने अच्छा काम किया है। ऐसे ही कर्मठ कर्मचारियों के सहारे चाइल्ड लाइन बच्चों के भले का प्रयास कर रही है। हद है ये भलाई और हद है ऐसे कर्मचारी। जिला कल्याण विभाग के माध्यम से एक यहाँ एनजीओ है चाइल्ड लाइन, उसमें अभी परसों शिकायत मिली थी और कल भी ये संज्ञान में बात आई थी कि एक बच्चे के साथ में थोड़ा मानवीय हरकत की गई है। बच्चा कहीं से खोया हुआ था, चाइल्ड लाइन में लाया गया और बच्चा बार बार शरारत कर रहा था, भाग रहा था, तो उन्होंने उसके पैर में एक साइड में वो सीकर लगा करके उसको बांध दिया। जैसे ही शिकायत मिली है उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर और सीडीओ साहब और एक सीओ की तीन लोगों कमेटी बनाकर को वहाँ भेज दिया था, रिपोर्ट आ गई है, उनके खिलाफ हम लोग उसी हिसाब से कार्रवाई करें जो कि टोटल यही। चलिए ये तो ना समझो कि अमानवीय हरकत थी, जिले के डीएम ने क्या कहा है जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जनाब ने कहा है कि थोड़ा अमानवीय हरकत हुई है, भला हो आपका जो थोड़ी अमानवीय हरकत के लिए आपने जांच कराने की जहमत उठाई। संस्था अभी अभी जस्ट आई है, अभी संस्था किसी जनपद में चाइल्ड केयर टाइप की कोई ऐसी संस्था नहीं थी और बड़ी रेपुटेड संस्था है, वो कहीं किसी कर्मचारी के स्तर से इस टाइप की चीजें हुई हैं। चाइल्ड केयर पूरे कंट्री में बहुत रेपुटेड संस्था है तो हमें उसको प्रमोट भी करना है। उनके यहाँ मैंने उनके ऑफिसर से बात हो चुकी है, जिस कर्मचारी ने इस हरकतें की है उसके खिलाफ भी वो कार्रवाई करना है। बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस संस्था के कर्मचारी इतनी गिरी हुई हरकत करते हैं डीएम साहब उस संस्था के कसीदे पढ़ रहे हैं। ये हमारे सिस्टम के बदनुमा चेहरे का ऐसा नमूना है जिस पर इंसानियत को शर्म आ रही है। बेसहारा बच्चों को सहारा देने के नाम पर जंजीरों में जकड़ा जा रहा है, इस सोच की बेड़ियों से भारत को निकलना होगा। साथ ही एक बार फिर आपसे ये अपील है, इस बच्चे के चेहरे को गौर से देखिए और इसको इसके अपनों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। खबरदार के लिए यूपी के बलिया से पारसनाथ गुप्ता के साथ मनीष मासूम की रिपोर्ट। बच्चे शरारत करें तो उन्हें बेड़ियों से जकड़ दो, ये सोच है हमारे देश में, हमारे देश के कुछ हिस्सों में लोगों की। इससे निकलना होगा, बदलना होगा। दिल्ली में एक महिला से गैंगरेप और लूट का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने
घर जाने के लिए अंसल प्लाजा से एक टैक्सी किराए पर ली थी, लेकिन सुनसान रास्ते में टैक्सी ड्राइवर और उसके एक साथी ने उसके साथ गैंगरेप किया और फिर ग्रेटर नोएडा में उसे फेंक कर फरार हो गए। बेटियों और महिलाओं के नाम पर सरकारें अपने काम का डंका पीटती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा किसके भरोसे है इसकी फिक्र किसी को नहीं। दिल्ली एनसीआर में सरे शाम एक महिला से गैंगरेप हो जाता है और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। साउथ एक्स अंसल प्लाजा से एक महिला घर जाने के लिए टैक्सी में सवार हुई। रास्ते में ड्राइवर ने पहले अपने एक साथी को जबरदस्ती बैठा लिया और फिर कार को ग्रेटर नोएडा ले गया। वहां बंदूक दिखाई और महिला से दोनों ने गैंगरेप किया। साढ़े पाँच सौ रुपए मांगे, अब है ना 550 रुपए मांगे तो कोई बात नहीं। उसने भेंट बैठ गई, थोड़ी दूर चलने के बाद एक बंदे को और उसने और बिठा लिया। एक बंदे को बिठाने के बाद उसने गाड़ी कर ली अंदर से लॉक। लॉक करने के बाद उसने बंदूक लगाई, खट्टा लगाया, ये तो हमें पता नहीं, पिस्टल लगाई है, ठीक है, लगा के उसके दम पे उसको गया, बैठ ही रहे चुपचाप, ठीक है, और गाली वाली दी और उसे ले गए परी चौक के आसपास कहीं किसी रास्ते में जहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली मतलब जंगल ही जंगल था। बताया जा रहा है कि हैवानों ने गैंगरेप का एमएमएस भी बनाया है। महिला का मोबाइल छीना है और अब उसके मोबाइल से नंबर निकालकर परिजनों को फोन कर वीडियो अपलोड करने की धमकी दे रहे हैं। बावजूद इसके कार्रवाई के नाम पर पुलिस सिर्फ भरोसा दे रही है। जो इनिशियल जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है उसमें वी हैव फाउंड सम कॉन्ट्राडिक्शंस जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं, और साथ के साथ हम जिस तरह का इन्होंने हुलिया बताया है उस हुलिये के अपराधियों को प्लस जो टैक्सी ड्राइवर है जो इन्होंने टैक्सी किया उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा अभी तक का इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। ये हालात तब हैं जब निर्भया कांड के बाद दिल्ली पुलिस और सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे। आंकड़ों पर एक नजर डालिए। राजधानी दिल्ली में हर दिन करीब 6 महिलाओं से रेप होता है, वहीं रोजाना करीब 10 यौन उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं। साल 2016 में जहां रेप के मामले 1204 दर्ज हुए, वहीं 15 जुलाई 2017 तक मामला दर्ज होने का आंकड़ा 1138 पहुंच चुका है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि दिल्ली एनसीआर में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा का आलम क्या है। टीम न्यूज ऑल इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली का हाल आपने देखा। दिल्ली से लगता हुआ इलाका ग्रेटर नोएडा, वहां पे क्या कुछ हुआ है ये जानना भी बेहद जरूरी है। यूपी में बदमाशों का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने सरेआम बीजेपी नेता शिव कुमार यादव और ड्राइवर की हत्या कर दी। बदमाशों ने हमला उस वक्त किया जब बीजेपी नेता अपने गनर और ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने नेता की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अभी हाल ही में यूपी पुलिस सूबे से बदमाशों की सफाई का दावा कर रही थी। पुलिस आए दिन बदमाशों का एनकाउंटर कर उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचा रही थी। इसके लिए यूपी पुलिस अपनी पीठ भी थपथपा रही थी, लेकिन गुरुवार को बदमाशों ने पुलिस के दावों पर फिर पानी फेर दिया। बदमाशों ने सरेआम बीजेपी नेता की हत्या करके साफ कर दिया है कि बदमाशों को ना पुलिस का डर है और ना ही कानून की परवाह। वो जब चाहें जिसे चाहें अपना शिकार बना सकते हैं, रोक सको तो रोक लो। हैरत की बात यह है कि घटना से चंद घंटों पहले ही पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया था, लेकिन मानो बदमाशों को इससे कोई फर्क ही ना पड़ा हो।
बदमाशों ने ठीक एक दिन बाद गुरुवार को ग्रेटर नोएडा के तिगड़ी गांव में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बिसरक थाना क्षेत्र में तिगरी के आसपास की घटना है। एक फॉर्चूनर गाड़ी में शिव कुमार और इनके साथ दो अन्य व्यक्ति जो उनके साथी थे, ये लोग जा रहे थे और बताते हैं कि कुछ अज्ञात बदमाश जो मोटरसाइकिल से थे, उन्होंने गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की और उस फायरिंग में तीनों ही लोगों की गोली लगी। शिव कुमार को फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए थे, यहाँ पर जब लाए तो उनको मृत घोषित किया गया और जो दो अन्य उनके साथ साथी थे उनको गाजियाबाद हॉस्पिटल कुछ लोग ले गए थे। बीजेपी नेता शिव कुमार यादव अपनी फॉर्चूनर कार से जा रहे थे, गाड़ी में उनके साथ ड्राइवर के अलावा एक गनर भी था। शिव कुमार इस बात से बेखबर थे कि उनकी गाड़ी का कोई पीछा भी कर रहा था। गाड़ी ग्रेटर नोएडा के तिगरी गांव के पास पहुंची ही थी कि तभी बाइक सवारों ने उन पर फायरिंग की। हमले के दौरान बाइक सवार आधा किलोमीटर तक गाड़ी पर फायरिंग करते रहे। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता अपने स्कूल से वापस घर की तरफ लौट रहे थे। अचानक हुए इस हमले में बीजेपी नेता शिव कुमार यादव के साथ ड्राइवर और उनके गनर की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस इस घटना के पीछे आपसी रंजिश मानकर चल रही है और अब बदमाशों की तलाश कर रही है। देखिए, मैं अभी इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जो गाड़ी मैंने देखी है और गाड़ी पे जो गोलियों के निशान हैं, तो 6-7 गोलियों के निशान गाड़ी पर नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 10-12 राउंड हो सकता है फायर हुए हों, पर अभी एग्जैक्टली कितने राउंड फायर हुए या कौन से वेपन पे, उस पर मैं अभी टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उस पर अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो अज्ञात बदमाश थे उन लोगों के लिए हम लोग टीमें हम लोगों ने लगा दी हैं। अभी परिवार के लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एग्जैक्टली अभी बहुत क्लियर चीजें नहीं आई है, लेकिन परिवार के लोगों से बात करके जो भी चीजें निकल के आती हैं उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे और घटना को जल्दी से जल्दी हम लोग वर्कआउट करेंगे। शिव कुमार यादव बहलोलपुर के रहने वाले थे। गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो किसी भी कीमत पर बीजेपी नेता शिव कुमार यादव को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। हो सकता है उन्होंने हमले से पहले रेकी भी की हो। हैरानी की बात यह है कि बदमाशों ने इस हमले को सरेआम अंजाम दिया और हमले के बाद आसानी से मौके से फरार भी हो गए। लेकिन अचानक हुए फायरिंग से शिव कुमार की गाड़ी अनियंत्रित हो गई और उसकी चपेट में 14 साल की एक छात्रा अंजलि तिवारी आ गई। बाद में अंजलि की भी मौत हो गई। यहाँ पे बता रहे थे कि 2:50 में एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ यहाँ पे 4 बजे के बाद 4 बजे लेके गया गया है दूसरे हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से मतलब ट्रीटमेंट शुरू हुआ है 5:30 बजे के बाद। तीन घंटे लग गए, कम से कम 2-3 घंटे लग गए थे। उसको सिंगिंग का बहुत शौक था, वो बड़े होके एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती थी। बहुत पढ़ने में, कैसी थी वो? बहुत स्ट्रगल करती थी वो अपनी लाइफ से। उसका एग्जाम आने वाला था बोर्ड का, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए वो रात में 12-1 बजे तक पढ़ती थी। नेक्स्ट मंथ बर्थडे था उसका, और नेक्स्ट मंथ में 22 को उसका बर्थडे था, जिसके लिए हम पैसे इकट्ठे कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि बिसरक थाना क्षेत्र में ही एक दिन पहले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया था। पुलिस इसे अपनी सफलता मानकर जश्न मना ही रही थी कि बदमाशों ने बीजेपी नेता की हत्या करके पुलिस को फिर से बैकफुट पर ला दिया। इस हत्याकांड से इलाके के लोगों और परिजनों में रोष है, गुस्सा नेता के साथियों में भी है, लेकिन अपनी ही पार्टी की सरकार होने की मजबूरी के चलते वो खुलकर सरकार को कोस भी नहीं पा रहे हैं, मजबूरन पुलिस पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं बहुत ही सख्त, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा। ये यहाँ की कुछ स्थानीय स्तर पर लापरवाही रही है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था के बारे में बहुत ही सीरियस हैं, और आप देख भी रहे होंगे कहीं कोई ना कोई एनकाउंटर वगैरह, ये जो भी बदमाश पकड़े जा रहे हैं या खुद अपनी जमानत तोड़वा के जेल जा रहे हैं, ये तो बहुत ही
ऊपर से पॉजिटिव वो चल रहा है, लेकिन यहाँ स्थानीय स्तर पे कोई एक दो ये अभी हम देख रहे हैं, हमारी ये मीटिंग ले रहे हैं हम कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ रहे हैं, जो लोकल पुलिस है उसका कहीं ना कहीं कोई इसमें। फिलहाल पुलिस और अपराधियों के बीच कह और मात का खेल कब तक चलने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस दिल दहला देने वाली घटना ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को एक बड़ी चुनौती दे दी है। देखना होगा कि पुलिस अपना दामन बचाने के लिए कब तक अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाती है। खबरदार के लिए ग्रेटर नोएडा से भूपेश भाटी के साथ जितेंद्र भाटी की रिपोर्ट। विडंबना देखिए, बीजेपी नेता की हत्या हुई है, बीजेपी की सरकार है और इस हत्याकांड के खिलाफ बीजेपी का नेता बोल भी रहा है लेकिन सरकार को बख्श रहा है, क्लीन चिट दे रहा है, कह रहा है ये गलती स्थानीय पुलिस की है। और यही बीजेपी के नेता पहले क्या किया करते थे अंदाजा आपको होगा, बल्कि सब कुछ याद होगा। तो ये है राजनीति और ये है इसका चरित्र। बहरहाल आप रहिए खबरदार और देखते रहिए खबरदार, रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार।